welcome to JV Academy. I am here with your new topic. That topic, you know, we have done democracy and election in last video. और last video में आपने democracy के बारे में पूरी details देखी थी कि what are the type of the government and how the word democracy have come. What are the features of the democracy? So we have started the topic democracy, and elections. ठीक है, तो democracy और election. Democracy हम already कर चुके हैं. Democracy का मतलब है लोकतंत्र. The government by the people. Government of the people. Government for the people. So this is the meaning of the democracy. अब हम बार बार कह रहे हैं democracy is the government for the people, of the people, by the people. क्या है by the people? कैसे हो गया by the of the? तो फिर भी समझ आ गया, लेकिन by the people कैसे हो गया? तो by the people ये हुआ कि हमने इन लोगों को election के through रूल करने का की पावर दे दी. तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता चले कि अब इलेक्शन क्या चीज है, कहाँ से आया इलेक्शन वर्ड. तो इलेक्शन इज, सबसे पहले हम इलेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो डेफिनेशन इज व्हाट, कि व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन आर द इलेक्शंस आर द की. की मीन्स यहाँ पे क्या है, चाबी, यानी कि जिस दैट इज द वे टू द डेमोक्रेसी. टू द डेमोक्रेसी वे, टू द डेमोक्रेसी वे पीपल आर, पीपल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रूलर्स. ठीक है, the rulers are, they are rulers or the government are elected by people. जो लोग चुने हुए हैं वो लोग चुने भी किसके द्वारा गए हैं? लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं. ठीक है, they are not the, not the son or daughter of king or queen. अब इस लाइन का क्या मतलब है? Why they are elected? They are not the hereditary persons. कहीं से उनको विरासत में ये चीज नहीं मिली है. उनको अगर हमने रूलर बनाया है, उनको अगर हमने गवर्नमेंट चलाने की पावर दी है, तो वो हमने इलेक्शंस के थ्रू दिया है. ठीक है, इलेक्शंस करवाए हैं तब जाके कहीं वो सरकार चला पा रहे. हमने उनको बोला है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारे बदले वहाँ पे काम कर रहे हैं. क्योंकि हम सारे के सारे तो नहीं जा सकते ना, इतना बड़ा देश है. अगर हम सारे के सारे पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, एक तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग इकट्ठे हो जाए. दूसरी वजह यह है कि अगर हम सारे इकट्ठे हो भी जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि लोग हमारी बातें सुन पाए? तो इतनी बड़ी कंट्री में हम ये वाला काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजा है ताकि वो क्या कर सके, हमारा काम कर सके. इसीलिए अगर हम इसके साथ साथ बात करते करते, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा उस दिन कि लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा कि हम अगर बात करें कि डेमोक्रेसी जो होती है, इट इज ऑल्सो टू काइंड्स. ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और दूसरी जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, क्योंकि मैं आपको भी बता रही थी कि इतना पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग पहुंच जाएं और पार्लियामेंट में जाके वहां पे जाके हम बहस करें,
नहीं कर सकते या किसी बात का सॉल्यूशन करें या किसी बात पे चर्चा करें, डिस्कशन करें, टाइम जगह ही नहीं है, ना ही सभी लोगों के पास टाइम है, क्योंकि सबका एक साथ प्रेजेंट होना भी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसीज वहाँ पे होती हैं जो छोटी जगह होती हैं, जहाँ पे लोग डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर हम विलेज पंचायत लोकल गवर्नमेंट में कहें, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो होती है जिसमें ग्राम सभा के रूप में लोग सामने आके बात करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज का मतलब होता है यहाँ पे जो दोज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स वो जाते हैं इलेक्ट होके और जाके और वहाँ पे हमारे बदले काम करते हैं, क्योंकि हम सारे तो जा नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारी बातों को कौन रखेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा। इन सभी के लिए वहाँ पे बहुत जरूरी बन जाता है कि हम वहाँ पे जाएं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस में, अभी हमने इलेक्शन की डेफिनेशन देखी कि वो लोग, दिस इज द की बिकॉज दिस इज द वे फॉर द रूलर्स टू टेक पावर थ्रू द इलेक्शंस, ताकि वो देश को चला सके। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर जो इलेक्शंस होते हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आखिर कैसे होंगे इलेक्शंस, कौन डिसाइड करेगा कि कैसे इलेक्शंस होंगे। तो ये वैसे मैं आपको बता दूं, अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके होते हैं इलेक्शन के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल होंगे वो कॉमन होंगे। तो हम अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन, तो अगर हम इनकी बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यू कैन से एडल्ट दैट इज एडल्ट सफ्रेज, इसको एडल्ट सफ्रेज भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि इसमें सबसे पहला काम तो क्या होता है कि एडल्ट से ही पता चल रहा है कि जो भी 18 इयर्स का होगा और अबव होगा, ही और शी कैन वोट, कास्ट द वोट। सो इट हैज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि वेदर वो लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, किस कोई भी बेसिस हो, उसको वोट डालने का अधिकार होगा। ये इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सबसे बड़ी डिमांड है। आपको पता होगा कि फ्रांस में विमेन को नहीं मिला था, सऊदी अरेबिया में, मैं अभी आपको पिछले वाले में बोल रही थी कि वेमेन को नहीं मिला हुआ है, कुवैत में 2015 में जाके मिला था। कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पूरी फैमिली का एक वोट काउंट होता है, तो ये बहुत गलत चीज है। सो दैट इज व्हाई 18 इयर्स एंड अबव दे कैन कास्ट द वोट, सबसे पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें इसकी जो खास बात होती है, सीक्रेट वोट डाले जाते हैं। सीक्रेट वोट का मतलब होता है यहाँ पे कि वोट मैं आपको बता नहीं रही कि ये वाला जो वोट है ये मैं किसको डाल रही हूँ, मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी डालूँ, आप मुझे मिलेंगे, आप मुझे कहेंगे मुझे वोट डालना है, ऐसे ऐसे आपको डाल देंगे, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं डालना आपको, तो आप कह भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, पर अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम, क्योंकि आप जब वोटिंग कर रहे होते हैं कोई आपको देखने नहीं जा सकता, कोई आप पे प्रेशर नहीं बना सकता। जो वोटिंग जब का जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे, जो जहाँ पे आप वोट कास्ट करते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जा सकते हैं, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। सो आपकी अपनी सीक्रेट वोटिंग है, आप बता सकते हैं, छुपा सकते हैं कि किसको आपने वोट दिया, आपकी मर्जी है, आप बताना चाहे तो बता सकते हैं वरना आप छुपा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल चॉइस। इलेक्टोरल इलेक्टोरल चॉइस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस होने लग गए। अब आपको पता है पार्टी सिस्टम होता है हर जगह,
वोट में किसको दोगे? या तो किसी पर्सन को, डायरेक्ट वोट होगा तो आप किसी पर्सन को दे सकते हो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो आप किसी न किसी पार्टी को भी तो देना पड़ेगा वोट। तो इसलिए क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ये एक सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम मीन्स वो देश जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को इलेक्शन लड़ने का ऑफिशियली हक होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन से अबाउट द चाइना। टू पार्टी सिस्टम हमें पता है यूएसए और यूके में, वैसे तो वहां पे भी पार्टियां हैं लेकिन वहां मेजर जो पार्टीज काम करती हैं वो टू पार्टी सिस्टम ही काम करता है, दो वहां की पार्टीज काम करती हैं। और अगर फिर मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं, मोर देन टू पार्टीज। इंडिया की बात करें तो अबाउट 900 के करीब पार्टीज हैं जहाँ लोग वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वोट कास्ट करने में क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें क्या के इलेक्टोरल चॉइस होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास एक वोट है, एक पार्टी है, हम वोट डालने गए तो फिर वोट डालने का फायदा क्या हुआ? जब एक ही वोट है, एक ही हमारा पार्टी, हमें पता है ये जीत जाएगी तो वोट डालो या ना डालो। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था PRI मैक्सिको में 27 सालों से रूल कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो किसी और पार्टी को आने ही नहीं देती थी। इतने सालों से चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है। तो वन पार्टी सिस्टम को अगर हम देखें तो इट्स नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, तो हम इसको तो हटा ही देते हैं। बचा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में वैसे तो ये डेमोक्रेसी में अलाउ है कि टू पार्टी सिस्टम, यानी कि दो पार्टियां इलेक्शन में आए तो किसी एक को चांस मिलेगा जीतने का, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ी ये होती है कि आइदर दिस और दिस, किसी दो में से किसी एक को तो चुनना ही है। तो चलो इस बार इसको चुन लिया, इस बार इसको चुन लिया, इस बार इसको चुन लिया, दूसरी बार दूसरे को चुन लिया, तो इसमें थोड़ी सी अकाउंटेबल नहीं होती है पार्टी। तो टू पार्टी सिस्टम को भी हम ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, पर बहुत सारे देशों में टू पार्टी सिस्टम काम कर रहा है। बचा लास्ट वन वाला मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम की खास बात ये होती है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, रीजनल होती हैं, नेशनल लेवल की होती हैं और लोगों के पास बहुत सारी चॉइस होती है। यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होता है, हर पार्टी लोगों के लिए काम करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि एज ए रिवॉर्ड वो हमें नेक्स्ट इलेक्शन को जिता सकते हैं और एज ए पनिशमेंट वो हमें हरा सकते हैं। तो पार्टियां काम करती हैं, उनको रहता है याद कि हमें लोगों ने जिताया है तो हमें काम करना है। सो दैट इज़ वाई मैं ये कह सकती हूँ इलेक्टोरल चॉइस का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पार्टी के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, और नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे दैट इज़ द पीरियोडिक इलेक्शंस की। अब हम पीरियोडिक इलेक्शंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब पीरियड्स, यानी कि गैप होता है, एक इंटरवल होता है पर्टिकुलर टाइम पे। रोज तो इलेक्शंस नहीं होते हैं, इंडिया में आपको पता है कि 5 साल पे होता है। तो ऐसे ही अब ये मत सोचिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि इलेक्शन तो है वो 5 साल बाद होते हैं। नो, यू कैन से दिस टाइम आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। सो अगर हम बात करें इन इंडिया 5 years का टाइम पीरियड रखा गया है, इन USA 4 years का टाइम पीरियड रखा गया है, अगर हम इन मैक्सिको की बात करें 6 years का टाइम रखा गया है। तो अलग अलग देशों में ये जो इंटरवल टाइम है इलेक्शन का, ये अलग अलग हो सकता है, ये अब हर देश की अपनी चॉइस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे देश मिल जाएंगे आपको जहाँ इंटरवल टाइम जो है इलेक्शन का वो अलग अलग है, लेकिन होना चाहिए, चाहे वो चार, अगर 5 साल है तो मतलब 5 साल बाद इलेक्शन होना चाहिए, अगर 4 साल है तो 4 साल बाद इलेक्शन होना चाहिए, अगर 6 साल है तो होना चाहिए। ये नहीं कि 6 साल के बाद आप कहो कि और अगले 6 साल बाद करेंगे, इस 6 साल तो कोई इलेक्शन नहीं कराने वाला। नो, तो जरूरत अगर कभी पड़े तो आगे पीछे 1-2 महीने का आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक खींच सकते हैं। अगर कोई मुसीबत आ गई, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, अगर मान लीजिए आज का टाइम जो चल रहा है कोरोना का, अगर इस टाइम इलेक्शंस की बारी आती तो नहीं कराते,
क्योंकि इस टाइम लोगों को बचाना बहुत जरूरी था, तो ऐसे में हम थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं या प्री भी करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इलेक्शंस का ये एक पीरियोडिक इलेक्शन का प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। और जो अगर मैं बताऊं एक और प्रिंसिपल की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब हमें देखना है कि ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एक्चुअली है क्या। जैसे स्कूल बिना प्रिंसिपल के और बिना टीचर्स के नहीं चल सकता, जैसे हॉस्पिटल बिना डॉक्टर्स के नहीं चल सकता, बिना नर्सेस के नहीं चल सकता, ऐसे ही अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो कौन कंडक्ट करवाएगा ये इलेक्शन? डॉक्टर को तो पढ़ाना नहीं आ सकता ना, टीचर को तो हॉस्पिटल चलाना नहीं आ सकता ना, किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है नहीं आ सकता ना। तो फिर ऐसे ही इलेक्शन कौन कराएगा, क्या होंगी, कैसे प्रिपरेशंस होंगी, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? इलेक्शन कमिश्नर की होती है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर कैसा होना चाहिए? ही शुड बी, ही और शी शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, किसी का वो नहीं होना चाहिए, वो किसी के अंडर में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, वो किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि अगर वो डरेगा तो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो अगर टू एंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मॉल प्रैक्टिसिंग ना हो, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शंस बहुत फ्री और फेयर मैनर में हो, डेमोक्रेटिक वे में हो, तो आपको कभी भी एक जो इलेक्शन कमीशन है उसको आपको इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का ई हम कैपिटल इसलिए रखेंगे क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ अ पोस्ट, ठीक है। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है टाइम पे, इंटरवल पे एक इलेक्शन को कराने की, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस डेट को होगा, डेट वेट का जो अनाउंसमेंट है वो भी यही करती है। तो ये जो है ये हमारे इलेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर मैं बात बताऊँ कि प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शंस का, प्रोसीजर का मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हमने आज बोल दिया कि कल से इलेक्शन है और आपने इलेक्शन कराना शुरू कर दिया, या इलेक्शन कमीशन में बोल दिया जी ठीक है जी अगले 15 दिनों में इलेक्शन है, ऐसा नहीं होता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग इलेक्शंस होते हैं। तो इस प्रोसीजर को पहले हम देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है आपकी इलेक्शन का? तो अगर हम सबसे पहले प्रोसीजर की बात करें तो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि अब आप बता सकते हैं कि इंडिया में लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? दैट इज 543। अब 543 है, देश तो इतना बड़ा है, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट तो 28 ही है, यूनियन टेरिटरी तो 8 ही है, फिर अब क्या किया जाए? तो किस स्टेट से कितनी सीट्स मिलेंगी? अगर हम मान लो सबको डिवाइड करते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उत्तर प्रदेश को और गोवा को इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाए, उसके एक शहर के बराबर गोवा पूरा स्टेट है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड। तो इसलिए पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, किसी देश को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज उत्तर प्रदेश के पास है, क्योंकि वो बड़ा एरिया होने के साथ साथ वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर हम बोलें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, दिस इज
डिवाइडेड। ओके ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। इसी के साथ एक और होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसका मतलब क्या होता है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सालों तक कास्टिज्म बहुत जोर शोर से करता था। कास्टिज्म मतलब आप समझते होंगे जातिवाद, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये वो ऐसा चलता रहता था। इसमें क्या होता था, जो अपर कास्ट था एजुकेटेड था, उसके पास पैसा था, तो ज़्यादातर जो इलेक्शंस होते थे ना उसमें पार्टिसिपेट भी अपर कास्ट करता था, और उन पार्टिसिपेशन के बाद वो क्या करता था, वो इलेक्शन जीतता भी था और फिर वो अगले साल भी वही इलेक्शन लड़ता था। तो कभी भी जो एससी एसटी और ओबीसीज के जो लोग थे उनको कभी मौका ही नहीं मिलता था इलेक्शंस को लड़ने का या इलेक्शंस को जीतने का, और उनकी हमेशा से यही कंप्लेंट रहती थी कि हमें मौका ही नहीं मिलता है, कहाँ से पैसा लाए। अगर कोई अपर कास्ट का पर्सन ये खड़ा है और दूसरा लोअर कास्ट का है, तो दोनों के अंदर अगर मुकाबला किया जाए तो एटलीस्ट कम से कम पैसों के मुकाबले में तो वो हार ही जाएगा। और आपको पता है अगर एक लैंग्वेज में कहा जाए, इलेक्शन इज अ डर्टी गेम, यू कैन से कि पैसे का खेल होता है, यहाँ पे मनी और मसल पावर का बहुत जोर होता है। तो इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो सीट्स हैं कुछ सीट्स रिजर्व कर दी कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, और वो क्या किया उन्होंने, इलेक्शंस को पूरी कंट्री में कहीं कहीं रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, जो भी है, अगर स्टेट का इलेक्शन होता है तो आपको पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, और पूरे देश का जो इलेक्शन होता है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो तीन टाइप के इलेक्शंस होते हैं, जनरल, इसमें पूरी देश की बात आती है, अगर दूसरा हम बात करें मिड टर्म इलेक्शन, ये इलेक्शन कब होते हैं, जब अगर कभी बीच में सरकार डिसॉल्व हो जाए, किसी वजह से सरकार नहीं चल पा रही है, तो बीच में अगर इलेक्शन 5 साल पूरा करने से पहले अगर कभी इलेक्शन हो जाए तो उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। और एक और टाइप का इलेक्शन होता है जिसको हम बाय इलेक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है, बाय इलेक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी नेता की अगर अचानक से इलेक्शन लड़ने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वो सीट वैकेंट हो जाएगी, तो 5 साल तक कौन काम करेगा वहां पे, तो उस जगह पे किसी को भी नहीं बिठा दिया। अभी मैंने बताया था कोई सन कोई डॉटर किसी का कोई बेटा बेटी नहीं बैठ सकता, फिर से इलेक्शन होंगे तो खाली सीट को भरने के लिए जो इलेक्शन होता है उस सीट को एक या दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इनको हम बाय इलेक्शंस का नाम देते हैं। तो आपको याद रखना है मिड टर्म इलेक्शंस, अगर इलेक्शंस बीच में डिसॉल्व हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है या किसी वजह से सरकार नहीं चल पाती है, तो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं जो 5 साल बाद पूरे देश के लिए होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं, और बाय इलेक्शंस होते हैं अगर ये इलेक्शन किसी एक या दो सीट के लिए हो रहा है। अगर हम फिर किसी स्टेट के लिए देखें तो जनरल इलेक्शन की बजाय वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, और मिड टर्म और बाय इलेक्शंस तो हर बार होते हैं, हर जगह होते हैं अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। तो ये तो था हमारा इलेक्शंस का प्रोपेगेंडा। अब हम देखते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये टोटल कितनी है। आपको पता है टोटल सीट्स कितनी है हमारी, 543। ठीक है, 543 में अगर हम देखें तो जर्नल कैटेगरी के लिए कितनी है, जर्नल्स की जो सीट है, जर्नल्स की सीट है 412। ठीक है, 412 सीट्स है। एससी के लिए कितनी है, दैट इज 84। और एसटी के लिए कितनी है, अगर एससी और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए है 47। ठीक है, टोटल अगर आप इन सालों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगे, ये 543। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये हमारे कैलकुलेशन, 543 जो सीट्स थी टोटल वो इस तरीके से है। अब आपको देखना है कि ये सीट्स कैसे काम करती हैं। अगर किसी किसी एरिया में 5 साल के लिए कोई सीट जर्नल के लिए होती है तो वो सिर्फ वहाँ पे जर्नल ही इलेक्शन लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता। तो इसलिए
एससी को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब एससी के लिए सीट रिजर्व है तो वहां सिर्फ एससी ही लड़ सकता है, वेमेन के लिए रिजर्व है तो वेमेन ही लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता। तो उस टाइम क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा ठीक हो जाता है, लोग इलेक्शंस लड़ सकते हैं, लोगों को मौका मिल जाता है, लोअर कास्ट के लोगों को भी, एससी एसटी को भी, और इस तरीके से वो इलेक्शंस को जीत भी सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर हम प्रोसीजर देखें, द सेकेंड प्रोसीजर इफ वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल का मतलब यहाँ पे क्या है कि इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसको वोटर्स लिस्ट भी कहते हैं। वोटर्स लिस्ट क्या होता है, जब आप वोट डालने जाते हैं और आप वहां पे जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि मुझे वोट डालना है और आपको वोट डालने का मौका मिल जाएगा। नो, वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो वोट की ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो बूथ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम है तभी आप वोट कर सकते हैं। तो आपका नाम कैसे आया वहां पे, ये देखना है। इसलिए इलेक्शन कमीशन, अभी मैं बता रही थी, उसका बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शंस में। तो इलेक्शन कमीशन जब 5 साल के इलेक्शंस में, क्योंकि आप देखिए हमें कितने टाइम का इंटरवल मिला, 5 ईयर्स का, 5 ईयर में पता नहीं कितने, अभी अगर आपकी एज इस टाइम अगर 15 साल होगी या 16 साल होगी तो आप सोचिए नेक्स्ट इलेक्शन में, 2019 में इलेक्शन हुए हैं, अब अगला इलेक्शन हमारा कब होगा, 24 में होगा, तब तक तो आप भी 18 के हो जाएंगे, लेकिन अभी तो आपका नाम नहीं है इलेक्शंस के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में। तो फिर 5 साल बाद आपको उस टाइम नहीं, जैसे ही आप 18 के हो गए आप अपना नाम इलेक्शन वोटर्स लिस्ट में डलवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वोटर्स लिस्ट की संख्या बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही 18 साल के हर साल होते होंगे। लेकिन कुछ लोग मर भी जाते हैं, कुछ लोग अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, इस जगह है कहीं और चले गए। तो इस इलेक्टोरल रोल में का क्या काम होता है, या तो नए लोगों को ऐड करना या पुराने लोगों का नाम डिलीट करना, दोज हु आर डाइड और दोज हु हैव लेफ्ट द प्लेस, कहीं और चले गए हैं, किसी और वजह से कुछ और कर रहे हैं, जैसे लड़कियां हैं शादी हो जाती हैं तो उनको उनके ससुराल का के वोटर लिस्ट में उनका नाम, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, कोई अब्रॉड चला गया, कोई एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चला गया, तो अब वहां से थोड़ा ना आएगा यहाँ पे वोट डालने। इसलिए ऐसे जो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें नाम चेंज होते हैं, नए नाम ऐड होते हैं, पुराने नाम डिलीट होते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उस प्रोसेस को प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल कहते हैं। और ये तैयार होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब वहाँ पे आप अमीरी और गरीबी के बीच पे नहीं, ऐसे ही जैसे ही आपके पास आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको राइट टू वोट का अधिकार है, आप दे सकते हैं वोट। हालांकि मैं आपको बता दूं, हर किसी को राइट टू वोट का अधिकार भी नहीं मिलता है, क्योंकि राइट टू वोट का अधिकार अगर आप अनसाउंड माइंड है, यानी कि थोड़ा किसी का दिमाग अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको भी राइट टू वोट नहीं मिलता है, और अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसका भी नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल और द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, अब हमारा अगला काम आता है, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट हम यही ऐड कर लेते हैं, नॉमिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स में मतलब क्या होता है कि नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट का मतलब है कि अब आपका काम, अब इलेक्टोरल रोल तो तैयार हो गया, अब कौन इलेक्शन लड़ने वाला है उसका भी नाम आपको डालना पड़ेगा। तो जो आप नाम डालोगे, सबसे जो बड़ी शर्त होती है वो ये होती है, अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है तो आप कैंडिडेट नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स में भी नहीं डाल सकते, यानी कि यू कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो आपका नाम इसमें जरूर होना चाहिए, यानी कि वोटर्स लिस्ट में तो कम से कम आपका नाम होना ही चाहिए।
नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होने के लिए आपकी एज, मिनिमम एज जो है वो 25 इयर्स होनी चाहिए। आपको पता है वोटर्स लिस्ट में आने के लिए आपको 18 साल का होना चाहिए और किसी भी इलेक्शंस को लड़ने के लिए आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। तो एमपी, एमएलए और इन सब के इलेक्शंस के लिए 25 साल, और अगर आप प्रेसिडेंट या राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 30 साल की एज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक आपको जो मिनिमम एज, अगर एमपी है, एमएलए है तो 25 इयर्स, और अगर प्रेसिडेंट या फिर मैं अभी क्या बोल रही थी, मेंबर ऑफ राज्यसभा, सभा तो 30 इयर्स, ठीक है। सो इतनी तो आपकी एज होनी ही चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में समझेंगे। आपको देखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो, जिससे आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगी। आपको प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है न्यू व्यूअर्स को, और जो लोग अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को चाहते हैं कि उन्हें कुछ बताएं, उन्हें कुछ समझाएं, वीडियो शेयर करिए, उनके साथ अपने नॉलेज को बांटिए। मैंने बोला था नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। सो मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरे साथ आएंगे इस पुराने वीडियो को देखने के बाद। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।